टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ विसेरा इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि पॉइजन का क्लियरली पता नहीं लगता है कि कौन सा पॉइजन दिया गया है, तो ऐसी सूरत में जब पॉइजन का ये ना पता लग पाए कि इसको कौन सा पॉइजन दिया गया है, तो उस सूरत में हम जो है कुछ विसेरा को जो है आपका किसके लिए भेजते हैं, केमिकल एनालिसिस के लिए भेजते हैं, ताकि जो है वो जो पॉइजन दिया गया है वो कंफर्म किया जा सके। यहां मैं रोक के एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इलिटरेट पर्संस में एक बहुत गलत धारणा बनी हुई है कि पोस्टमार्टम इसलिए कराया जाता है कि उसके अंदर के हिस्से निकाल लिए जाए, ये एक बहुत गलत धारणा बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गन अगर निकाला जाता है उसमें से कुछ ही ऑर्गन जो है वो निकाले जाते हैं, किस लिए, वो भी केमिकल एनालिसिस के लिए, कब, जब यानी कि शक हो किसी ऐसे पॉइजन का जो पोस्टमार्टम में पता ना लग पा रहा हो, तो उस सूरत में हम कुछ हिस्से कुछ पार्ट्स जो है वो आपका निकालकर केमिकल एनालिसिस के लिए यानी कि उसको जांच के लिए लेबोरेटरी भेजने के लिए उसमें से कुछ पार्ट्स निकाले जाते हैं, अदरवाइज कोई पार्ट भी जो है आपका बॉडी से नहीं निकाला जाता, ना ही निकाला जा सकता, क्योंकि ये पोस्टमार्टम एक बहुत लंबा प्रोसेस है। नंबर एक तो बात यह कि जब कहीं पर कोई डेथ वगैरह होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वहां पर जाएगी, देर से जाएगी, एक तो वो वक्त, फिर उसके बाद उसके कागजात वगैरह तैयार होने में लगने वाला वक्त, फिर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचने वाला वक्त, फिर डॉक्टर के वहां पर पहुंचने वाला वक्त इतना लेंथी हो जाता है कि कोई भी ऑर्गन किसी काम का नहीं रहता है। तो इसलिए ये बहुत गलत धारणा है, बहुत गलत मैसेज जो है लोग कन्वे करते हैं एक दूसरे को कि पोस्टमार्टम के दौरान ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल गलत थ्योरी है, गलत जो है रूमर जो है लोग फैलाते हैं। ओके, आज हम आपको बता रहे हैं कि कौन से ऑर्गन जो है वो जरूरी होते हैं, निकालने पड़ सकते हैं, जरूरी नहीं निकाले जाए के निकालने पड़ सकते हैं, तो वो ऑर्गन कौन कौन से हैं, कौन से ऑर्गन जिनको हम प्रिजर्व करके वो भी केमिकल एनालिसिस के लिए भेजना है, न कि अपने किसी काम के लिए, वो किसी काम के रहते ही नहीं है ऑर्गन्स जो है। ओके, ट्रांसप्लांट अगर किया जाता है बहुत कम वक्त में, विद इन वन एंड टू आवर्स के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो भी बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट में होता है, इंसान मरने वाला होता है उस वक्त, अदरवाइज जो है कोई ऑर्गन नहीं निकाला जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ विसेरा इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजन, यानी कि जब पॉइजन का पता ना लग पाए तब हम जो है कुछ ऑर्गन को निकालते हैं। देखिए कोई भी कंटेंट, कोई भी फूड वगैरह आप खाते हैं तो वो सबसे पहले स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा, डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज के जरिए उसमें से कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, फिर वो लीवर में जाते हैं और लीवर से फिर पूरी बॉडी में और एक्सक्रीशन के लिए आपका किडनी की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं ऑर्गन्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है लेते हैं ताकि उनको केमिकल एनालिसिस उनका किया जा सके। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो है हम केमिकल एनालिसिस के लिए लेते हैं, जैसे स्टोमक एंड इट्स कंटेंट, स्टोमक और उसके अंदर जो चीज मौजूद है, अगर मौजूद है तो, क्योंकि जब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया और वहां से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ गया तो आपको स्टोमक में कुछ नहीं मिलेगा, अगर वहां पर मौजूद है तो उसका थोड़ा सा पार्ट हम जो है यानी कि कंटेंट जो उसके अंदर से निकला है और स्टोमक जो है वो पूरा लेंगे, और अगर कंटेंट उसमें नहीं है तो फिर हम स्टोमक की वाल जो है वो प्रिजर्व करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स कंटेंट तो ही जो है हम केमिकल एनालिसिस के लिए भेजते हैं अलोंग विद इट्स कंटेंट्स, ठीक है ना, इसके कंटेंट को साथ में। तीसरा लीवर 200 से 300 ग्राम, लीवर 200 से 300 ग्राम, किडनी हाफ ऑफ ईच यानी कि दोनों किडनी का आधा आधा पोर्शन जो है हम केमिकल एनालिसिस के लिए, किडनी का दोनों किडनी का आधा आधा पीस जो है हम किसके लिए केमिकल एनालिसिस के लिए प्रिजर्व करते हैं। ब्लड 30 टू 50 ml तक ले सकते हैं, मिनिमम 10 ml होना चाहिए। यूरिन जो है वो आपका 30 ml, क्योंकि एक्सक्रीट किससे होना है, यूरिन के थ्रू होना है, सर्कुलेट किस में होना है, ब्लड में होना है, तो इसलिए उनका थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम जो है उसमें लेते हैं। कंटेनर्स को जो हम देखते हैं तो हम कौन सा कंटेनर यूज करते हैं, किस तरह का कंटेनर हम यूज करते हैं, देखिए प्रिजर्व करने के लिए किसी भी ऑर्गन को हम मोस्टली कांच का,
ग्लास का जो है आपका कंटेनर इस्तेमाल करते हैं अबाउट द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर। जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर की हो तो वो आप ग्लास जार जो है बिल्कुल साफ सुथरा ग्लास जार जो है वो लेते हैं विद वाइड माउथ, जिसका मुंह चौड़ा हो, जिसमें से कोई भी चीज आसानी से डाली जा सके और निकाली जा सके, उसका मुंह चौड़ा हो और उसके ऊपर कांच का ही स्टॉपर हो, कांच का ही यानी कि उसको बंद करने के लिए कांच का ही ढक्कन हो। क्योंकि अगर आप रबर का ढक्कन इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रिजर्वेटिव उसके अंदर डाला गया है उसके संपर्क में आने पर वो रबर जो है उसमें डिजोल्व हो सकती है और डिजोल्व होकर वो कंटेंट उसमें आ जाएगा तो पॉइजन का सही तरीके से पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए कांच का स्टॉपर उसमें यूज किया जाता है। 1 लीटर कैपेसिटी की बोतल होती है जो आपका स्टोमक या इंटेस्टाइन वगैरह रखने के काम आनी है। ब्लड और यूरिन के लिए सेपरेट सेपरेट 30 ml की या 50 ml की जो है वो आपका ग्लास की जो वायल्स होती हैं, जिनको हम जो है स्क्रू स्टॉपर यानी कि जिन पे ढक्कन लगा के ऐसे चढ़ाया जाता हो वो स्क्रू स्टॉपर उनके ऊपर होना चाहिए। तो वो बोटल्स जो है वो कंटेनर्स जो है हम आपका इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेटिव जो है हम कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम जो है आपका सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड या आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर हम सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो उसके अंदर जो है ऐसे पॉइजनस की सूरत में यानी कि कोरोसिव पॉइजन अगर था तो उसके सब्सटेंस रखना ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कोरोसिव पॉइजन अगर यूज किया गया है, कोरोसिव पॉइजन का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्गन जो है वो पूरी तरह से डैमेज हुए होंगे, है ना, तो उन ऑर्गन्स को इसके अंदर महफूज नहीं किया जा सकता, प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, उनको फिर आप रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यानी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन उसमें भी जब हम स्पिरिट का ये आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर अगर एल्कोहल पॉइजनिंग है, ईथर की पॉइजनिंग है, क्लोरोफॉर्म की पॉइजनिंग है वगैरह वगैरह, तो उसमें हम जो है इस स्पिरिट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे फिर सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड का। फॉर्मल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव के तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रिजर्वेटिव के तौर पे फॉर्मल्डिहाइड को इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइजन बिकम्स डिफिकल्ट, यानी कि जो हमने कंटेंट भेजे हैं उनके अंदर से फॉर्मल्डिहाइड होने की वजह से तो जो पॉइजनस कंटेंट है वो सही तरीके से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपका प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल हम कब नहीं करेंगे, यानी कि जब हमें ये अंदाजा हो कि हम विद इन 24 आवर्स जो है ऑर्गन का एनालिसिस होके आ जाएगा तो सूरत में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, बोन आपको भेजनी है, हेयर आपको भेजने हैं, नेल्स आपको भेजने हैं, तब आपको किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। या लंग्स आपको भेजने हैं तो उस सूरत में भी आपको जो है प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जो कंटेंट इनहेल्ड किए गए हैं यानी कि इनहेल्ड पॉइजन लिया गया है तो फिर वो उसके अंदर शामिल होके डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस हालात में आपका प्रिजर्वेटिव नोट रिक्वायर्ड। प्रिजर्वेटिव नोट रिक्वायर्ड किन कंडीशन में हमें जो है आपका प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है, एक तो वहां पर जब हमें ये लगे कि 24 आवर्स के अंदर केमिकल एनालिसिस होके आ जाएगा तो उस सूरत में आपको प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कोई बोन नेल या हेयर आपको भेजने हैं तो उस वक्त आपको किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। या लंग्स अगर आप जब भेजते हैं तो उस वक्त भी आपका प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इनहेल्ड पॉइजन जो है उसमें डिटेक्ट फिर नहीं हो पाएगा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिजर्वेशन एंड डिस्पैच ऑफ विसेरा, किस तरह से आप ऑर्गन को प्रिजर्व करेंगे और फिर उसको किस तरह से आप आगे केमिकल एनालिसिस के लिए भेजेंगे। देखिए, हम एक बोतल के अंदर स्टोमक, इंटेस्टाइन और उसका कंटेंट ये एक बोतल में रखेंगे, किडनी और लीवर एक बोतल में रखेंगे, उनके छोटे छोटे पीस करके अबाउट 0.5 to 1 cm के जितने से छोटे छोटे पीस करके उसमें रखेंगे। तीसरा, ब्लड और यूरिन ये सब अलग अलग बोतल्स के अंदर हम रखेंगे। जब हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो बोतल के अंदर
टू थर्ड कंटेंट होना चाहिए मैं प्रिजर्वेशन, ऑर्गन भी प्रिजर्वेटिव भी, क्योंकि अगर उसके अंदर गैसेस फॉर्मेशन होने लगे, टाइम लग जाए और उसके अंदर प्यूट्रीफेक्शन होने लगे, गैसेस फॉर्मेशन होने लगे, तो उसके लिए गैप होना चाहिए, थोड़ी सी जगह मिले, जो गैसेस फॉर्म हो तो उसके लिए उसमें थोड़ा सा स्पेस रहे, पूरा ना भर जाए। तो इसलिए जो है उसको वन थर्ड जो है, वन फोर्थ जो है उसको छोड़ना चाहिए, टू थर्ड जो है उसको भर देना चाहिए, वन थर्ड बाकी रखना चाहिए ताकि उसमें कैपेसिटी बनी रहे। ब्लड और यूरिन को सेपरेटली जो है हम अलग अलग बॉटल्स के अंदर करेंगे, कि लीवर किडनी को अलग करेंगे, और उसके बाद जो है ये आपको बताया टू थर्ड प्रिजर्वेटिव और कंटेंट्स जो है वो आपका होना चाहिए ताकि ऊपर स्पेस बाकी रहे। उसके बाद ऑल बॉटल्स के ऊपर, जो भी आप बॉटल्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर तमाम डिटेल्स जो है उस पर्सन की, उसका नाम, एज, सेक्स वगैरह, कब इसकी डेथ हुई, पोस्टमार्टम किस दिन हुआ, कौन सी डेट में हुआ, कौन सा टाइम हुआ, वो पोस्टमार्टम नंबर क्या था, वो सब डिटेल जो है उसके ऊपर लगा के उसको लेबल्ड हम कर देंगे, तीनों की तीनों बॉटल्स के ऊपर जो जो भी सामान आप भेज रहे हैं उसके ऊपर वो तमाम कंडीशन जो है वो आपका उसमें लिख देंगे। उसके बाद एक बॉक्स के अंदर इन सब प्रिजर्वेटिव मटेरियल को रखा जाएगा, और रखने के बाद उसमें उसके साथ साथ ही आपका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट की एक कॉपी, और कम से कम मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर, या तो हायर पुलिस ऑफिसर हो या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर की कॉपी, वो तीनों उसके अंदर रखी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सील्ड आप जो सील इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सील लगाएंगे आप उनके, उनको सारे ऑर्गन को बंद करके ढक्कन में मतलब अलग अलग, तो उसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे, कपड़ा लगा के फिर उसके पास या तो स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे या टेप का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पूरी तरह से क्लोज हो जाए, और फिर उसके ऊपर या तो अपनी या विभाग की, डिपार्टमेंट की सील जो है उसके ऊपर लगाएंगे, और उस सील का सैंपल जो है कागज पे बना के भी हम लिफाफे के साथ रखेंगे। तो इस तरह से सील्ड कवर करके पूरी तरह से उसको सबको एक बॉक्स में रख दिया जाएगा, और बॉक्स में रखने के बाद वो पूरा बॉक्स जो है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा किसके, कांस्टेबल के जो मतलब आईओ वगैरह है उसके हैंडओवर कर दिया जाएगा केमिकल एनालिसिस के लिए एक रिसिप्ट लेकर, और उसमें अपने सिग्नेचर भी अंदर लिख के डालेंगे, सील का भी लिख के डालेंगे ताकि जो है उसके अंदर कोई फोर्जरी, कोई बदलाव ना किया जा सके, उसके अंदर कोई बदलाव ना कर सके। तो इस तरह से फिर आप जो है इसको क्या करेंगे, इसको प्रिजर्वेटिव का सैंपल भी उसके अंदर रखेंगे, कौन सा प्रिजर्वेटिव आपने इस्तेमाल किया है। तो अब इस तरह से आप पूरी बॉक्स को बंद करके फिर उसके ऊपर लॉक लगाएंगे, लॉक लगा के उसको सील करेंगे, सील करने के बाद जो है आप जो है एक रिसिप्ट लेकर जो कांस्टेबल है उसके हैंड ओवर उसको कर देंगे, फिर वो केमिकल एनालिसिस के लिए ऑर्गन चला जाएगा। तो ये था आपका प्रिजर्वेशन ऑफ विसेरा इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये गलत धारणा है लोगों के अंदर के उसमें से ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो ऑर्गन निकाले जाते हैं, वो भी केमिकल आपका एनालिसिस के लिए, ताकि जो है पता लगाया जा सके कि इसको कौन सा पॉइजन दिया गया है। अदरवाइज बॉडी का कोई भी ऑर्गन किसी काम का नहीं होता है, ना ही उसको कहीं में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।